सो ऑल द गुजराती फूड लवर्स एंड पंजाबी फूड लवर्स दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड इस वीडियो में आपको पंजाबी खाना मिलेगा बट बाय द फेमस गुजरात फ्रेंचाइज ग्वालिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स हैज़ ओपन द फर्स्ट लोकेशन इन टोडो एंड आई वेंट देअर पर्सनली एंड चेकड आउट एंड आ स्पेसल परमिशन फ्रॉम दैम कि मैं यहाँ की वीडियो बना के दिखाना चाहता हूँ सो दे अलाउड एड एंड दिस इज़ द होल डिटेल्ड वीडियो फॉर यू सो आई चेक देयर ऑनलाइन वेबसाइट ये गुजरात की अहमदाबाद की बहुत ही मेजर फूड फ्रेंचाइजी है एंड उसके बाद इन्होंने अपनी पहली जा, एक लोकेशन इनकी वडोदरा में भी दिखा रहा है बट दे हैव मोस्ट ऑफ द लोकेशन अहमदाबाद गुजरात एंड नाउ दे हैव ओपन देयर फर्स्ट लोकेशन इन टोरंटो एंड ये इटोबिको में गुरुद्वारा जो है रेक्सटेल वाला उसके बिल्कुल सामने McDonald's के प्लाजे में है और दे हैव द फर्स्ट लोकेशन एंड इट वाज रियली वर्थ इट सो दिस वीडियो माइट बी लॉन्ग बट इट्स अमेजिंग फॉर यू सो अंदर जाते ही आपको ये कॉम्बोज के दिख जाते जिसमें आपको परांठे के साथ दाल मखनी और अचार की ऑप्शन मिल रही थी एंड लुक एट दिस प्लेस

कुछ मैंगो की थी ये लीची के फ्लेवर्स के डिजर्ट थे और इतने बढ़िया बढ़िया तरह की मिठाइयाँ ये सारे इनके रसगुल्ले और इतनी डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ थी जो हम नॉर्मल स्वीट शॉप पंजाबी स्वीट शॉप में नहीं देख पाते लाइव चीज़ें बनती थी जैसे चाट पापड़ी गोलगप्पे दही बल्ले और सेव पूरी दही पूरी ये सब इनका बाहर बनता था गोलगप्पे हमारे पंजाबियों के फेवरेट भी यहाँ मिल रहे हैं और हर पंजाबी चीज़ यहाँ मिल रही है एट द वे दे प्रेजेंट एट द डिश दिस इज़ ऑसम एंड इतने प्यार से इन्होंने खाना खिलाया द स्टाफ वॉज रियली अमेजिंग एंड इट वॉज़ क्लीन एंड अ वेरी ह्यूज स्पेस फॉर द सिटिंग और मैं रिकमेंड करूंगा इस प्लेस पे आप प्लीज़ विजिट कीजिए एंड दिस प्लेस इज़ अमेजिंग आपकी नेक्स्ट गो टू विज़िट के लिए परफेक्ट है एक वीकेंड डिनर के लिए एक से एक ले चीज़ें आई जा रही है बादाम हलवा केसर हलवा इतनी तरह की है मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा हमने टेस्ट की थी और इतना बढ़िया आम्बियस है अंदर वीकेंड्स पे दे आर सो डैम बिजी काफ़ी अच्छी लाइनअप होती है वेटिंग भी पड़ जाती है एंड ये फरसान की इतनी सारी वराइटीज़ गुजराती नमकीन और फरसान की वायटीज़ थी जिन पे ऑफ़र्स भी चल रही थी ये इनके सामने टेस्टर्स पड़े आप इनको टेस्ट कर सकते हो बिस्किट्स एंड नमकीन को जिसमें कि गुजिया है वो कचौरियाँ हैं समोसा फिल ड्राई फ्रूट समोसाज ये सब आप टेस्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन गेट ऑफ़र के बाई थ्री गेट टू फ्री और बाई टू गेट थ्री फ्री समथिंग लाइक दैट और इनकी मिठाइयाँ जस्ट आप इनकी शक्लें देखो दे लुक टेस्टी एंड टेम्पटिंग कि ये गुजिया इतना टेस्टी था और इतनी सारी चीजें इतना प्यारा रेस्टोरेंट बनाया उन्होंने फर्स्ट लोकेशन एंड दिस प्लेस हैज टू गो वायरल प्लीज शेयर दिस वीडियो बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू शूट दिस वीडियो सो ये इनकी सब्जियां थी पनीर की सब्जी इतनी टेस्टी और वेज मिली सो ट्वेल्व टू थर्टीन डॉलर के स्नैक्स पड़ते हैं और फिफ्टीन टू सिक्सटी डॉलर की सब्जियाँ बहुत ही अच्छे रेट्स पे बहुत टेस्टी खाना प्रोवाइड कराते सो फर्स्ट वे ट्राइड अवर पाव भाजी बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी पाव भाजी की सो so भाजी की अगर बात करें सो इट वॉज़ रियली रियली टेस्टी और बहुत ही नॉमिनल बटरी थी यानी कि ओवर बटरी थी और बहुत अच्छे टेस्ट आ रहे थे आई डोंट नो हाउ दे मेक इट और बहुत ज़्यादा अमेज था मैं ऐसे फ्लेवर्स के साथ बहुत टेस्टी बनाई थी उन्होंने पाव भाजी एंड नेक्स्ट थिंग वी ट्राइड वस छोले भटूरे ये प्रॉपर दिल्ली की तरह जैसे वो दिल्ली के पहाड़गंज टाइप्स हैवी वाले भटूरे थे और छोलों की आप क्वालिटी देखो काफ़ी थिक काफ़ी मोटे मोटे छोले थे जो कि जनरली मिलते नहीं हैं एंड दिस वाज प्रॉपर दिल्ली स्टाइल चिक्कड़ चने जिसको हम बोलते हैं बहुत ही टेस्टी थे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे आई कॉन्ट इवन से हाउ मच टेस्टी देवर एंड बहुत मज़ा आया ये खा के ये इनका को करके कुछ था शेक सा अराउंड फाइव टू सिक्स डॉलर का इट वॉज बिट मोर स्वीटर बट हमें इतना पसंद आया लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से बनाया हुआ था छोले भटूरे वॉज ऑन द टॉप एंड देन इनका एक पिस्ता शेक था पिस्ता मिल्क बदाम शेक दिस वॉज इन द बॉटल ये इतनी टेस्टी चीज़ बनाई थी इट वॉज लाइक अ रस मलाई विद लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड केसर ये इनकी बेस्ट ड्रिंक थी और मसाला छाछ बहुत अच्छी थी एंड ये अराउंड फाइव डॉलर की थी एंड सारे ड्रिंक्स ऑलमोस्ट फाइव डॉलर के आसपास थे एक्सेप्ट मसाला टी बहुत टेस्टी था इस पर प्रॉपर उन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है इतने सारे ड्राई फ्रूट थे इतने सारे फ्लेवर्स आई कांट इवेंट से बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रिंक थी अंदर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है एम्बियंस काफ़ी गुड है जगह काफ़ी क्लीन है वेरी स्पेशियस और गोलगप्पे चाट और समोसा चाट हमारे पंजाबियों की फेवरेट चीज़ें समोसा चाट दही भल्ले पापड़ी चाट दही पूरी सेव पूरी ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेकआउट में जा रही थी खाने के लिए बहुत ज़्यादा रश था वीकेंड्स पे एंड दिस वाज़ सो बिजी हमारे पंजाबियों का थोड़ा सा कम था लेकिन गुजराती कम्युनिटी वॉज लॉट ऑफ फिलिंग बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पे गुजराती कम्युनिटी ज़्यादा थी मेजोरिटी में एंड ये दो डोसाज बन रहे थे एक एक डिश इनकी जो थी ना वो डिफरेंट सी दिखती थी और ये मैंगो लस्सी थी ये चाट पापड़ी गोल गप्पे एवरी थिंग वॉज इन ऑर्डर इट्स अ गो टू स्नैक्स कॉर्नर अगर आप खाना खाना चाहें तो आप वो भी खा सकते हैं पर गो टू स्नैक्स कॉर्नर के लिए परफेक्ट जगह है लुक एट द प्लेस उत्पम डोसे गोल गप्पे हर चीज़ बढ़िया बन के आ रही थी अगर आप इनका मेन्यू देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको ट्राई करने को मिल सकती हैं स्वीट्स के लिए इनके पास बहुत सारे रसगुल्ले और चमचम थे इनका स्पेशल पार्टी हॉल था जिसको मैंने दिखाया कि अगर आप किसी को पार्टी करनी हो तो यू कैन ट्राई दिस प्लेस इस इज़ वर्थ हिट लाइव चीज़ें बनती जा रही हैं और ऑर्डर पे ऑर्डर धड़ा दड़ जाए जा रहे थे इवन वेटिंग भी चल रही थी हमारे टाइम पे वी वेंट ऑन सैटरडे नाइट सो वीकेंड्स पे देर माइट बी लिटिल बिट बिज़ी सो आप प्रिपेयर होके जाइए लेकिन दिस प्लेस हैज़ टू बी इन योर गो आउट मेन्यू एंड दिस वीडियो हैज़ टू बी प्लीज़ शेयर इट बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए एंड पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू दैट एंड दिस इज अ रियली स्पेशल प्रोजेक्ट बट लुक एट दिस फूड The food looks good. The way they present is really nice, and they give you a very satisfying experience. And we really loved this place. अगर आप इनकी चीजों की एक बार क्वालिटी देखो, आपको खुद पता चलेगा कि ये हम एक अच्छी जगह से खा के आए हैं. And look at this chaat papdi, samosa chaat. एवरी थिंग वॉज गुड ये इनके हमने मंगाया था पनीर लबावदार और एक इनकी काजू की सब्ज़ी मैंने दिखाई है बहुत टेस्टी और एक इनकी मिली जुली वेज मिली जुली मिक्स वेज की सब्जी शक्लें सेम है लेकिन थोड़ा रिचनेस और ग्रेवी में फ़र्क है दे टोल्ड अज टू ट्राई देअ गार्लिक नान सो वी डिड दैट एंड वी ऑर्डर वन बटर रोटी सो गार्लिक नान के साथ ये पनीर की सब्ज़ी दिस पनीर की सब्जी इज़ डिफरेंट फ्राम अदर पनीर की सब्जी जैसे मैंने हम खाते हैं इसमें पनीर उन्हें क्रश करके भी डाला हुआ था पीसीस भी डाले हुए थे बहुत ही नॉमिनल मसाले और बटरी थे लेकिन बहुत ऑथेंटिक फ्लेवर्स आ रहे थे मतलब मैंने 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 ऐसी पनीर की सब्ज़ी बहुत टाइम से नहीं खाई एंड आई रियली लव्ड वट दे मेड और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स आ रहे थे बहुत अच्छी चीज़ बनाई थी और ऐसी सब्जियाँ बहुत है दाल मखनी है पनीर की सब्ज़ी थी काजू की थी गार्लिक नान बहुत अच्छे थे सैलड हमने साइड पर ऑर्डर किया था एंड सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी बहुत टेस्टी थी ये स्टफ़्ड कुलचा विद छोले अमृतसरी कुलचा विद छोले स्टफ़्ड पराठा विद दाल मखनी मसाला मसाला छाछ और ये सब्ज़ियाँ नान सैंडविचेस व्हाट व्हाट नॉट इवन डोसाज भी थे इनके पास दो तीन तरह के मैंने ये रवा डोसा थे स्पाइसी रवा डोसा था प्लेन डोसा था एंड ये इनके आ, जैसे ये सौंदेश कह सकते हैं या जैसे भी इनकी मिठाई के नाम है बट देवर रियली टेस्टी एंड डिफरेंट बहुत फ्रेश लग रही थी ये इनके टेस्टर्स पड़े थे आप इनके बिस्किट्स एंड नमकीन कचौरियाँ मेरी फेवरेट होती हैं जो इंडिया में और ड्राई फ्रूट वाला समोसा हमने ट्राई किया था स्टफ्ड कचौरियाँ ट्राई करी थी साथ में आप टेस्ट कर सकते हो चाय ऑर्डर कर सकते हो ये इनके मीठे में थे ये काजू की सब्ज़ी में जो मैं बता रहा था आपको काजू की मगज़ और काजू की खोए वाली सब्जी थी ये इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें थी ये इनकी चाइनीज भेज बहुत ज़्यादा ऑर्डर में जा रही थी ये हमने कचौरी मंगवाई थी मैंने आपको बताया था मैं दाल वाली कचौरी स्पेशली दिखाऊंगा वो फेवरेट है हमारी इट्स अराउंड टू एंड हाफ डॉलर विद टैक्सेस वन नाइन्टी नाइन प्लस टैक्सेस हमने चाय ऑर्डर करी थी दिस कचौरी इज़ रियली रियली टेस्टी और इसी तरह से गोल कचौरियाँ चाइनीज़ भेल की मैं बता रहा था चाइनीज़ भेल इज़ रियली रियली फेमस हेयर और वो बहुत अच्छा स्नैक्स है मतलब उसके अंदर सब कुछ ही डाला हुआ है इन्होंने रॉ नूडल्स एंड जो भी बनता होगा लेकिन बहुत टेस्टी थी वो और ये हमारा बिल था अराउंड सेवेंटी डॉलर में हमने ये सारी चीजें ट्राई करी जो बहुत ही नॉर्मल है ये प्लाजे का गेट है ये बाहर से व्यू आता है नाइट टाइम का बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने रेक्सटेल वाले गुरुद्वारे के सामने